नहीं। अबे यार तू अपना दिमाग कम चला, साले जान से मार देंगे वो लोग हमें। अबे चुप, अब पीछे मुड़ के मैं इसे एक ऐसी गोली मारूंगा अभी, उसके बाद इसकी गैंग को अपना गुलाम बना के पूरे गांव पे कब्जा अपना करूंगा। 1 2 3 कहते ही पीछे मुड़ो और धाड़ से मारूंगा मैं गोली साले के सीने पे। 1 2 3 ओए मैं कह रही हूँ यार राजन पापा, तुम भी बिल्कुल बावले ही हो, बंदूक तो हमसे छीनी ना, ऐसे तो हम फिर दोबारा डाकू बन जाएंगे। लो ये पकड़ो, चलो। तीन तक गिनूंगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। 1 2 3 मैंने सोचा था छोटा सा गांव है, बड़ी आसानी से कब्जा हो जाएगा, ये नहीं पता थी गांव के अंदर इतना बड़ा खतरा भी है। पर तुम टेंशन मत लो, इस बार भी मेरी थोड़ी सी गलती रह गई, अगली बार ये गलती नहीं होने दूंगा। तू बहुत बड़ी छिनाल का है भाई, तू ऐसा नहीं मानेगा, हर बार फंसवा देता और कह देता कोई ना कोई गलती हो गई। यही तो फर्क होता है कम दिमाग में और एक ज्यादा दिमाग वाले में। एक चीज नोटिस नहीं करी तुम लोगों ने, कितनी जगह हम फंस गए लेकिन तुम्हें मरने नहीं दिया, जिंदा वापस लाया कि नहीं? तू जिंदा वापस लेकर आया? साले गूद दिया ना तो किल्ली मारता फिरेगा जमाने में, हमारी किस्मत ने बचाया हमें। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि तू किस्मत का जिक्र कर, सोचो थोड़ा, किस्मत हमें क्यों बचा रही है बार बार? किस्मत खुद चाहती है हम इस गांव पर राज करें, कल को हम शहर पर राज करें, उसके बाद पूरे राज्य पर राज करें और हम करोड़पति बने। यार बात तो सही कह रही है ये। अबे तुम्हारा साथ ही तो मांग रहा हूँ, जान थोड़ी मांग रहा हूँ तुम्हारी। अरे यार साथ तो हम तेरा दे देंगे लेकिन अब डर भी तो लग रही है। उस डर के कांटे को अगर बीच रास्ते से हटा दूं तो? कैसे? राजन को ही जान से मार दूं फिर? ए भैये हमारी औकात है उसके सामने जाने की? मेरी तो वैसी फट रही है उसके नाम से भी। इस बार हम लोमड़ी की चाल चलेंगे, बहुत ही चलाकी के साथ उसे मौत के घाट उतार देंगे, तुम सिर्फ मेरा साथ दो। तो ठीक है, तो हम तेरा साथ देने के लिए तैयार। किस्मत ने कितना शानदार मौका दिया है, अकेला खड़ा है साला, इसे अपनी गोली से नहीं मारूंगा, इसे तो थप्पड़ों से मारूंगा, लातों से, घूसों से, फिर घसीटता हुआ गांव तक लेके जाऊंगा, वहां गोली मारूंगा, गांव पे भी अपना कब्जा और शहर पे भी अपना कब्जा। अबे ओ चक्कर में मत पड़, जब किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया तो इस मौके का फायदा उठा ले, यहीं से इसके गोली मार और काम खत्म कर। राजन ठाकुर है वो, हम तो इसके सामने वैसे भी ना जाएंगे। जिस दिन मैंने ये डाकूगिरी ज्वाइन करने की सोची थी ना, उस दिन ही सोच लिया था किसी की पीठ पे वार नहीं करूंगा।